एक कहावत है कि एक वकील ही ऐसा पेशा है जो जानते हुए भी कि आप गलत हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ता है। लेकिन अब कुछ ऐसे वकील भी इस पेशे में आ गए हैं जो इस पेशे को कलंकित कर रहे हैं। ताजा मामला जिला न्यायालय रीवा में सामने आया है। उक्त मामले की पीड़ित महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और वकील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला संजना शुक्ला टायर की दुकान संचालित करती है, जिसके कस्टमरों के द्वारा दिए गए लगभग 18 चेक अनादारित हुए थे, जिनके वसूली के लिए दुकान संचालिका अपने वकील अजीत सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था। वकील के द्वारा अलग अलग दिनांकों को लगभग 3 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर वसूल लिए, लेकिन कोर्ट में जमा नहीं किए। जब दुकान संचालिका कोर्ट में पता किया तो जानकारी हुई कि उसके द्वारा स्टाम्प शुल्क जमा नहीं किया गया है। यह सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब महिला अपने वकील से मिली तो वकील ने फिर धोखाधड़ी की और कोर्ट में पैसा जमा करने की रसीद महिला को थमा दिया। कागज पुख्ता मिलने के बाद पीड़ित महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और वकील अजीत सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने शिकायतकर्ता महिला रंजना शुक्ला निवासी रतहरा को सिविल लाइन थाना भेजकर FIR दर्ज कराने की बात कही है। पीड़ित महिला ने पैसे को कलंकित करने वाले अधिवक्ता अजीत सिंह की शिकायत राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर से भी की है। महिला ने बताया कि उसके पास वकील को दिए गए पैसों के पुख्ता सबूत हैं और वकील के हस्ताक्षर भी हैं। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के बदले वकील ने धोखाधड़ी कर लाखों रुपए ठग लिए और अब महिला कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगा रही है। ये अजीत सिंह है जो हमसे लगभग 3 लाख रुपए ले लिए हैं 18 केसों के, और लिखित पे भी दिया है कि आपके सारे केस पेड हैं, मगर हम लोगों ने मतलब कोर्ट से पूरे वो निकलवा लिए हैं नकल, और किसी भी केसों में मतलब एक भी केसों में स्टाम्प ड्यूटी जमा ही नहीं है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। क्या मामला क्या है, किस बात को लेकर लिया गया? चेक है, हमारे टायर की दुकान थी तो चेक लगे हैं जिन्होंने नहीं दिया है पैसा, तो ये चेक मतलब हम लोगों ने इनको दिया था तो स्टाम्प ड्यूटी के नाम पे इन्होंने 3 लाख रुपए ले लिया और जमा किसी में नहीं किया। कैसे आपने पैसा दिया उनको, किस तरह से? सर जब पैसे देते थे तो हम लोग लिख लेते थे कि पैसे आपको दे रहे हैं, और फोन पे किया है 42,000 रुपए, वो भी हम लोगों के पास है। मतलब टुकड़ों में पैसे दिए? हाँ। उनसे आपने बात की है पैसे के लिए? क्या नहीं, वो स्टाम्प ड्यूटी मतलब बताते थे इस केस में आपका इतना लगेगा, उस हिसाब से हम लोग देते थे। एसपी ऑफिस में हमने शिकायत की। हाँ, शिकायत किया हमने। क्या बोला एसपी साहब ने? क्या एसपी साहब बोले कि आप सिविल लाइन TI सर से मिलिए, वो कार्रवाई करेंगे। पूर्व में भी आपने शिकायत की है कई जगह? हाँ, उप महानिरीक्षक के पास भी गए थे, महानिदेशक के पास भी शिकायत किया। आश्वासन हो गया, यही कहें कि हम बोलेंगे TI साहब को कि कार्रवाई होगी। ये लगभग 1 साल की बात है, 1-1.5 साल। और अपनी माँ ये फरियाद देखा, कब से आप भटक रही हैं यहाँ पे? अपडेट। क्या नाम? क्या है? संजना शुक्ला नाम। दुकान मतलब थी बस स्टैंड पे थी, अब नहीं है, तो पैसा फंस गया है हम लोगों का, तो हम लोग लगाए हैं जो पैसा दिए थे हम तो ले लिए, मगर एक में भी स्टाम्प नहीं जमा किए हैं और नकल हम लोग कोर्ट से निकलवा लिए हैं सर्टिफाइड कॉपी।